छल में बेशक बल है, लेकिन आईपीसी आज भी हल है। क्या आप जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 क्या कहती है? ये धोखाधड़ी की बात करती है। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा दे या किसी की मूल्यवान वस्तु के आकार या प्रकार में बदलाव लाकर या उसकी संपत्ति को नष्ट करने के लिए बेईमानी की भावना से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है तो वो धोखाधड़ी का अपराध करता है। ऐसा करने पर ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक का कारावास व कुछ रकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।